बातें कर रहे हो? आप किससे बातें कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। फिर आज एक नया व्लॉग, एक नया दिन। आज की रूटीन कुछ इस तरह है कि मैंने बाज़ार जाना है, मार्केट जाना है, और मैं सजाद को उठा रही हूँ। सजाद उठने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे मार्केट में कुछ काम है, आयुष्मान के पैंपर्स वगैरह लेने थे, तो मैं सजाद को उठा रही हूँ और सजाद उठ नहीं रहे। सजाद उठें, मुझे मार्केट में कुछ काम है, मेरे साथ चलें आप, उठ जाएँ, उठें। नहीं उठे, चलिए, मुझे काम है, पहले ही बहुत लेट हो गए हैं। सब उठ के सबको नाश्ता वगैरह करवाया है। अरशमान को अभी मैंने दूध पिला के सुला दिया था, तो मैंने कहा सजाद को कहूँ इससे पहले अरशमान दोबारा उठे और रोए, अपनी दादू को तंग करे, तो हम जल्दी से बाजार होके आ जाते हैं। चलिए उठ जाएं, जल्दी जल्दी से मुँह हाथ धो लें, उठें। ओके, सजाद को तो मैंने उठा दिया, अब मैं बाहर जाती हूँ, अरशमान का दूध देखती हूँ, उसे बॉयल करने रखा था। और अरशमान का दूध तो बॉयल हो गया है। और यहाँ पुप्पो नाश्ता सर्व करनी थी सबको। पुप्पो कर लिया नाश्ता सर्व सबको? जी। चलें ठीक है, अब हम मार्केट के लिए निकलते हैं। सजाद तो मुँह हाथ धोने के लिए चले गए हैं, तो बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। अब हम घर से निकले हैं, तब तक सजाद गाड़ी निकाल लेंगे। इधर पुप्पो की तरफ कोई काम है, तो फिलहाल पुप्पो की तरफ जा रहे थे। पप्पू के घर पहुंच गए हैं, और ये जो आगे जा रही है वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, सहर। अंदर और इधर ये मैं पप्पू के घर आई, और ये देखें बच्चे अपने ही कामों में बिजी हैं, इनकी क्रिएटिविटी की क्या ही बात है। और ये पतंग बना रहा है शायद नॉर्मल शॉपिंग बैग से। माशाल्लाह बच्चे बहुत टैलेंटेड है आज के। पप्पो के अंदर आ गए, पप्पो से एक छोटी सी चीज़ लेनी है और फिर लेके निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए अरशमान को मैंने झूले में सुलाया हुआ है, गाड़ी निकाली लेकिन गाड़ी का टायर पंचर निकला, तो सजाद वो गाड़ी का टायर ठीक करवाने लेके गए हुए हैं, तो जैसे ही वो आते हैं हम दोबारा निकलते हैं। चलिए एक घंटे के इंतज़ार के बाद सजाद, नाउ वी आर ऑन द रोड। अब हम बाज़ार जा रहे हैं, मुझे एक साल हो गया साहिवाल में, पर अभी तक मुझे यहाँ के बाज़ारों का नाम नहीं सही याद हुआ। सजाद हम कौन से बाज़ार जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सदर बाज़ार। सदर बाजार आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा। ना कुछ देर के लिए हम रुके हैं क्योंकि सजाद को यहाँ कोई काम है, तो जैसे आते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं फिर बाजार। और यहाँ ट्रैफिक चलें जी, अब बाजार हम पहुँच गए हैं। सबसे पहले मैं अरशमान के ना पैंपर्स ले लूँगी, और सजाद तब तक गाड़ी पार्क कराएंगे। अरशमान के पैंपर तो मैंने ले लिए हैं, अब मैं बाज़ार में ना एक दो छोटे काम है वो करवाने आ रही हूँ। कितने कितने प्यारे ड्रेसेस आए हुए हैं बाज़ार में। सजाद और अजान आगे आके जा रहे हैं, समोसे बनाए जी, कचौड़ियाँ बनाए, गोल गप्पे बनाए। बाजार में रश बहुत ज्यादा है और शोर भी बहुत ज्यादा है, पर आप ना
शोर को इग्नोर करें। इतने प्यारे कुत्ते आए हुए हैं। पहले एक दो शॉप से मैंने लैस देखी है लेकिन मुझे लैस अच्छी लगी नहीं, तो अब मैं ना कहीं और से देखती हूँ। यहाँ देखें मल्टी कलर की छोटी छोटी कितनी प्यारी लेसेस हैं। पट्टी बना के मशीन को ऊपर रखे, इसके अंदर फिलिंग करें, दाल एक मैं वो चिकन डाल के फ्राई करूँ। पट्टी जैसे मर्जी बना लें, मशीन को ऊपर रखें आप, इसके अंदर कोई भी चीज़ करें, दाल सब्जी है कीमा है गोश्त चिकन है डाल के फ्राई करें। समोसे बनाए, गोल गप्पे बना सकते हैं आप, है गोल शामी टिक्की कबाब बना सकते हैं, कचौरी वगैरह बना लें आप, घर से कीमे की टिक्कियाँ बनाए, दाल कियाँ बनाए, आलू की बनाए, बनाए ऐ सेट बने, तरीका पर सारा लिखे है, 200 का पैकेट है। फाइनली मेरी मनपसंद लैस तो मुझे मिल गई है, तो अब हम एक छोटा सा काम और करेंगे। लैस आपको मैं घर जाके दिखाऊंगी। बाजार में हमें जो जो काम था वो तो हमने पूरा कर लिया है, तो वो अब हम घर को चलते हैं क्योंकि अरशमान भी घर में है, तो घर चलते हैं। चलें जी, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ये आज की मेरी थोड़ी बहुत रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट्स और ये कोशिश अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट होकर अच्छी वीडियोस बना सकूं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।